हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीबीसी सीजी जॉब्स। आज की जो नौकरी है वो आ रही है आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क की तरफ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईबीपीएस जो संस्था है वो बेसिकली बैंकिंग के जितने भी वैकेंसीज आती हैं इन्हीं के तरफ से जारी की जाती हैं। तो दोस्तों, इस जो वो टोटल पोस्ट इसमें जो अवेलेबल है वो 2557 पोस्ट अवेलेबल है इसके लिए, और 1 सितंबर को इसका जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। लेकिन अब उसमें कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ अपडेट किए गए हैं, जिनको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम सारी डिटेल्स को पढ़ लेते हैं एक बार। दोस्तों, ST, SC, PWD, EXM कैंडिडेट को ₹175 फीस पे करना है एप्लीकेशन का, और इसी के साथ अदर्स वालों को, बाकी जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरी वालों को ₹850 इसका फ़ीस पे करना है। पेमेंट का जो ऑप्शन होगा वो ऑनलाइन होगा। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप हमारे नोटिफिकेशंस के अपडेट ईमेल के थ्रू पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी सबमिट करके इस जगह पे ईमेल के द्वारा हमारे नए पोस्ट के अपडेट्स अपने ईमेल पे पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट के। तो 2 सितंबर से इसका स्टार्टिंग डेट शुरू हो चुका था और लास्ट डेट जो है इसका 23 सितंबर को था। बट अब जो इसमें देखेंगे आप यहाँ पे रीओपन डेट्स पे अगर आप नज़र आपकी याद पड़ रही हो तो जैसा कि देख सकते हैं 23/10/2020 स्टार्टिंग जो होगा आपका रीओपन डेट का वो 23/10 यानी 23 अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का वो होगा 6 नवंबर। तो जो लोग पिछली बार इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए या उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है वो इसके लिए दोबारा से रीओपन डेट पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो 20 साल है और मैक्सिमम एज की रिक्वायरमेंट जो है वो है 28 साल। इसी के साथ ST SC कैटेगरी वालों को जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो उन्हें एज पर रूल दिया जाएगा। अब बात कर ले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ही आपके पास ये ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर वैकेंसी डिटेल्स को आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स इंडिया में अवेलेबल हैं उनके लिए ये जो है वैकेंसी अवेलेबल है। अंडमान निकोबार के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश के लिए 85 पोस्ट अवेलेबल है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, असम के लिए 24 पोस्ट अवेलेबल है, बिहार के लिए 94, चंडीगढ़ के लिए 8, छत्तीसगढ़ के लिए 18, दादरा नागर हवेली दमन दीव के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल हैं, दिल्ली के लिए 93, गोवा के लिए 25, गुजरात के लिए 139, हरियाणा के लिए 72, हिमाचल प्रदेश के लिए 45, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 7, झारखंड के लिए 67, कर्नाटका के लिए 221, केरला के लिए 120, लद्दाख के लिए 0 पोस्ट अवेलेबल है, लक्षद्वीप के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल है, मध्य प्रदेश के लिए 104 पोस्ट अवेलेबल है, महाराष्ट्र के लिए 371 पोस्ट अवेलेबल है, मणिपुर के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल है, मेघालय के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है, मिजोरम के लिए भी 1 पोस्ट अवेलेबल है, इसी के साथ नागालैंड के लिए 5 पोस्ट अवेलेबल है, पुडुचेरी के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल है, और उड़ीसा के लिए 66 पोस्ट अवेलेबल है, पंजाब के लिए 162, राजस्थान के लिए 68, सिक्किम के लिए 1, तमिलनाडु के लिए 229, तेलंगाना के लिए 62, त्रिपुरा के लिए 12, उत्तर प्रदेश के लिए 259, उत्तराखंड के लिए 30 एंड वेस्ट बंगाल के लिए 151 पोस्ट अवेलेबल हैं। रीओपन फॉर्म की जो नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वैकेंसी नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह से डिटेल्स को आप वहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करने का लिंक आपको सबसे आखिर में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ।
Bye.